हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके सामने कद्दू यानी कि पम्पकिन का भुजिया की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे कहीं कहीं पे कदीमा भी बोलते हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही कम तेल मसालों में इसे बनाया जाता है। इसे चावल की रोटी के साथ भी खाया जाता है और चावल की रोटी का लिंक मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये आधा किलो कद्दू लिया है, ये इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं। और दो साबुत लाल मिर्च है, नमक लिया है, मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, 5 फोरन है, चीनी है और हींग है। इसमें बहुत कम तेल मसाले लगते हैं। अब हम इसको चाकू की सहायता से छील लेंगे और इसका छिलका बहुत ही आसान तरीके से निकल जाता है। आप ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से इसका छिलका निकल रहा है। हमने इसका छिलका निकाल लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से इसका छिलका। और इसके बाद हम इसे काट लेंगे इस तरह से, हमें इसके पीसेस करने हैं। हमने इसको टुकड़ों में काट लिया है, अब हम इसे बना लेंगे। इसके लिए हम इस कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, ज़्यादा तेल का यूज नहीं करना है। और तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें 5 फोरन डाल दिया, साबुत लाल मिर्च डाल देंगे और इसमें हम हींग डाल देंगे इसके बाद। और उसके बाद लगभग हम कुछ सेकेंड्स के लिए इसे सॉटे करेंगे। इसका कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें कटा हुआ कद्दू डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे, ज्यादा मसाले नहीं डालने हैं इसमें। एक बार इसे मिक्स कर लेंगे हल्दी और नमक के साथ। और फिर हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके कुक होने देंगे। 5 मिनट हो गया है, कवर को हटाएंगे और इसे फिर से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं क्वांटिटी पहले से कम हो गया है। अब हम इसमें मिर्च पाउडर डालेंगे, बहुत कम मिर्च पाउडर, और लगभग 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें चीनी डाल देंगे। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला हमें नहीं डालना है। और अब हम इसे फिर से कवर करके 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम फ्लेम पे रहेगा। कवर को हटाएंगे फिर से और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे दोबारा कवर नहीं करना है और इसका पानी हमें अच्छी तरह से सुखा लेना है। और उससे पहले हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे जिससे ये और अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए रहना है हमें और इसका पानी सुखाना है। और आप देख सकते हैं इसका पानी सूख गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, कद्दू का भुजिया यानी कि पम्पकिन का भुजिया हमारा बन करके तैयार हो चुका है। ये खट्टा, मीठा, तीखा
सब तरह का टेस्ट इसमें आपको मिलेगा और इसे आप चावल की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। बाय बाय।